कैसा होगा राजस्थान का बजट? गहलोत के पिटारे में आम लोगों के लिए क्या है खास? युवाओं को क्या तोहफा देगी गहलोत सरकार? गहलोत के अंतिम बजट में क्या होगा खास? राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, जिस पर सूबे वासियों की नजर टिकी हुई है। सवाल ये उठता है कि इस बार का बजट राजस्थान को क्या क्या सौगात देने वाला है। रीट मामले से खफा युवाओं के लिए सरकार क्या कुछ कर पाती है या नहीं। हालांकि गहलोत सरकार के इस बजट को लोक लुभावन भी माना जा रहा है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गहलोत सरकार का ये अंतिम बजट युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए नई भर्तियों की घोषणा के साथ साथ कई अन्य तोहफे भी दिए जाएंगे। साथ ही निजी क्षेत्र में काम करने वालों को शोषण से बचाने के लिए भी सरकार बड़े कदम उठा सकती है। बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में ऐप बेस्ड कंपनियों में काम करने वाले कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कानूनी प्रावधान बनाए जा सकते हैं, ताकि कामगारों की नौकरी सुरक्षित रहे और वो शोषण से बच सके। इस बार के बजट में गहलोत सरकार राज्य सेवा के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। क्लर्क ग्रेड के कर्मचारियों की पिछले 20 साल से चली आ रही मांग इस बार पूरी हो सकती है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने मुलाकात की थी। इस दौरान गहलोत ने संकेत दिए कि वो कर्मचारियों के लिए काफी बेहतर घोषणाएं करने जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि क्लर्क ग्रेड के कर्मचारियों को सचिवालय सेवा के बराबर वेतन और प्रमोशन दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही बीपीएल परिवार के साथ वो लोग भी गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते, ऐसे परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए गहलोत सरकार अप्रैल 2023 से 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके अलावा इसके लिए अलग अलग श्रेणियां बनाकर अधिक से अधिक लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है।